बैठ के ही आपको लगेगा हाँ यार पचास लाख रुपए की गाड़ी है भाई मस्त फॉर्च्यूनर भी फेल है इसके इंटीरियर के सामने। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे टाटा हेरियर की जिसे कंपनी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया वेरियंट है साथ ही साथ बात करें तो ये कार का फेयरलेस प्लस एस वेरिएंट इस टाइम आपके सामने खड़ा है और टोन है ने ऊपर आप देख सकते हैं ब्लैक में इसकी रूफ देखने के लिए मिलती है तो टोन टन ये इस टाइम आपके सामने है इसके एक्शोरूम प्राइस की अगर हम बात कर लें तो ट्वेंटी फाइव लैक नाइनटी थाउजेंड ये एक्शो रूम आपको कॉस्ट करेगी साथ ही साथ काफ़ी प्रीमियम लुक आपको गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलता है फ्रंट से देख लो आप क्या मस्त बेहतरीन लग रही है फ्रंट विड की अगर हम बात करें इस गाड़ी की तो उन्नीस सौ बाईस एम एम की फ्रंट वड देखने के लिए मिलती है और ये देखो भाई ये इसका की सेटअप है यहाँ पर आप लॉक अनलॉक बोर्ड ओपन करने का और साथ ही साथ फॉलो फॉलोमी हडलैम्प को ऑप्शन दिया गया है जब भी इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो इसके फॉलो फॉलोमी हेडलैप कुछ इस तरीके से जल जाता है और लुक देखो यार मतलब यार क्या प्रीमियम और क्या बेहतरीन लुक है मतलब नेक्स्ट लेवल लुक लगता है यार इस गाड़ी का मुझे और इस प्राइस सेगमेंट में मगर मेरे पास इतना पैसा होना तो मैं तो इसे अगले दिन ले लूँ यार इतनी प्यारी लगती है ना रोड प्रेजेंस गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा तकड़ी है साथ ही साथ फ्रंट में यहाँ पर आपको कनेक्टेड एल ई आर एस देखने के लिए आप मिल जाते हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक देते हैं इसे पहले से ज़्यादा एनहेंस कर देते हैं गाड़ी के लुक को फ्रंट में यहाँ पर आपको कैमरा देखने के लिए मिलता है साथ ही साथ नीचे आपको यहाँ पर इसके एडास का रेडार देखने के लिए मिलता है पार्किंग सेंसर्स भी देखने के लिए मिलते हैं आपको फ्रंट में बात कर रहे हैं इसकी लाइट्स हेडलाइट सेटअप लाइट की तो यहाँ पर आपको एल ई प्रोजेक्टर लैम्प देखने के लिए मिलता है नीचे की साइड आपको इसकी फॉग प्रॉब्लम की हाउसिंग देखने के लिए मिलती है जो कि एल के अंदर ही दी गई है तो ओवरऑल फ्रंट लुक के मामले में तो यार गाड़ी काफ़ी बढ़िया है और इस गाड़ी को देख के एक ही गाना मेरे दिमाग में याद आता है यार वो गाना है ना मोटी चैन मोटा पैसा दिला दे कोई मुझे ऐसा वैसी गाड़ी है भाई नेक्स्ट लेवल मतलब लुक देखो भाई और कमेंट सेक्शन में बताना आपको इसका लुक कैसे लगा फ्रंट वाला बात कर लें तो यहाँ पर आपको इसका अडास का सेंसर जो सब कुछ कंट्रोल करता है वो दर की साइड देखने के लिए मिलता है साइड लुक की अगर हम बात कर लें तो गाड़ी का साइड लुक देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर और काफ़ी प्रीमियम लगता है और काफ़ी ज़्यादा बोर्ड लगती है गाड़ी साइड से देखने में यहाँ पर आपको हेरियर की बैजिंग भी देखने के लिए मिलती है जो कि कंपनी अब खुद से करके दे रही है बात जो कि जनरली लोग स्पोर्टियर दिखाने के लिए गाड़ी को बाहर से कराते हैं फ्रंट टायर प्रोफाइल की बात कर लें तो एटीन इंचिस के अलाविल्स आपको गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलता है या आपको इसका पूरा सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी तगड़ा है यहाँ पर आपको थ्री सिक्सटी डिग्री कैमरे का फीचर भी देखने के लिए मिलता है साथ ही साथ आपको ब्लैक कैनो फिनिश में इंडिकेटर के साथ इसके ओ आर भी हम देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक देते हैं और इसमें अडास के क्योंकि कई सारे फीचर आते हैं तो इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन का भी फीचर देखने के लिए मिलता है जब पीछे से कोई गाड़ी क्रॉस करेगी तो यहाँ पर आपको एक अलर्ट शो होगा हो ये ब्लिंक करने लगेगा और अंदर आपको एम आई डी में भी शो होगा उससे आपको पता लग जाएगा कि यार पीछे की साइड से कोई गाड़ी आ रही है साथ ही साथ बात करें इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की तो इस गाड़ी के अंदर आपको दो सौ पाँच एम एम की ग्राउंड क्लियरस देखने के लिए मिलती है जो कि बेस्ट इन सेगमेंट है बहुत ही तगड़ी ग्राउंड क्लियरस है इसके कंपेरिजन अगर राइवल्स की अगर हम बात कर लें तो किसी के अंदर भी आपको दो सौ की ग्राउंड क्लियरस देखने के लिए नहीं मिलती बात करें गाड़ी की रियर प्रोफाइल की तो रियर से गाड़ी देखने में कुछ ऐसी है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है अब जैसे हम इसके बटन को ऑन करेंगे फॉलो भी हेड हेडलैम्प से बटन को प्रेस करेंगे तो इसके कनेक्टेड एल्ली डी पूरे ऑन हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है गाड़ी को वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है यहाँ पर आपको ब्लैक पेर फ्रिज में एलिमेंट देखने के लिए मिलता है जो कि गाड़ी के रियल लुक को काफ़ी स्पोर्टी और बना देता है यहाँ पर आपको रियर में कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है नीचे की साइड आपको रियर पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिल जाता है बात करें तो इस गाड़ी के अंदर अब आपको इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट का फीचर भी देखने के लिए मिलता है जैसे कि यहाँ पर दिया गया है बूट ओपन करने के लिए इसे हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसका बूट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे होगा फिर देखो भाई ये फीचर पहले काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और महंगी गाड़ियों में आया करता था लेकिन अब टाटा ने ये अपनी हैरियर में देके भाई सेगमेंट को तोड़ दिया है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है फीचर यहाँ से आप इसे प्रेस करके बंद भी कर सकते हैं इसके बूट को और अगर हम बात करें तो इसे भी अगर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वैसे भी बंद हो जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तो ये हो गया भाई बंद तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ये फ़ीचर आपको कैसे लगा बात करें इस गाड़ी के बूट स्पेस की मैं एक बार दोबारा इसका बूट ओपन कर लेता हूँ तो ये हो गया भाई ओपन अब हम इसके बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको फोर फोर्टी फाइव लीटर्स का बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है ये पार्सल ट्रे आपको दी गई है नीचे की साइड यहाँ से आप सारे इसके स्टबनी और स्पेयर व्हील के पार्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं स्पेयर व्हील नीचे की साइड है इसका और यहाँ से हम बंद करेंगे इससे भी दिखा देता हूँ तो ये हो गई भाई बंद नीचे की साइड यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश में पूरी क्लैडिंग देखने के लिए मिलती है जो कि रियल लुक को और भी ज़्यादा एनहेंस करती है सा आ जाए तो साइड लुक आप देख ही चुके हैं गाड़ी का अब जल्दी से हम गाड़ी के इंजन की बात कर लेते हैं तो जब भी आप इसका बोनट ओपन करेंगे तो वार्निंग भी देता है आपको बोनट ओपन की जैसा कि अभी गाड़ी में बोल रही थी और ये हमने इसका कर लिया बोनट ओपन काफी तो ज्यादा हैवी बोनट है यार बहुत ही ज्यादा हैवी है मतलब मेहनत लग रही है ऐसा लग रहा है दो हाथ लगेंगे पूरा उठाने में साथ ही साथ यार इस प्राइस पॉइंट पर कंपनी को हाइड्रोलिक्स तो देने चाहिए यार थोड़ा ये ज़्यादा ही कॉस्ट कटिंग कर दी कंपनी इस प्राइस पॉइंट पर हाइड्रोलिक्स तो बनते हैं यार गाड़ी के अंदर बात करें इस गाड़ी के इंजन की तो इस गाड़ी के अंदर आपको टू लीटर का टर्पोचार्ज फोर सिलेंडर डीजल इंजन देखने के लिए मिलता है जो कि वन सिक्सटी सेवन बी एच पी पावर जनरेट करता है थ्री नैनोमीटर के टॉक के साथ जो कि काफ़ी बढ़िया नंबर है और काफ़ी बढ़िया है गाड़ी चलाने में पहले से भी ज़्यादा स्मूथ कर दी गई है स्टेयरिंग भी पहले से ज़्यादा लाइट हो गया है और ये हम कर देते हैं बंद तो ये देखो भाई आवाज़ सुनो फिर सा आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी का अंदाजा लग जाएगा यार और टाटा ने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस गाड़ी के अंदर सेवन एयर बैग्स दिए हैं जो कि काफ़ी बढ़िया हैं साथ ही साथ बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर की इंटीरियर दिखाऊंगा यार मैं आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर है यार गाड़ी का डोर पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिलता है और अब अभी इंटीरियर चेकआउट करो यार क्या प्रीमियम इंटीरियर आपको देखने के लिए मिलता है मतलब इसके अंदर बैठ के आपको लगेगा ही नहीं कि यार आप किसी पच्चीस से तीस लाख की गाड़ी में बैठे आपको ये लगेगा भाई पूरी फील ये पचास साठ लाख की देगी आपको अंदर बैठ के रोड में आपको सारे पावर विंडो के कंट्रोल देखने के लिए मिलता है यहाँ पर आपको ओ आर बी एम का कंट्रोल देखने के लिए मिलता है यहाँ पर येलो फिनिश में पूरे इंटीरियर में आपको एलिमेंट देखने के लिए मिल जाता है पूरा येलो एलिमेंट आपको हर जगह देखने के लिए मिलता है ब्लैक एलोलोलो फिनिश में क्लैडिंग दी गई है एक अलग से यहाँ पर आपको बोर्डल होल्डर कुछ एमट्ट स्पेस और अम्ब्रेला होल्डर अलग से दिया गया है यहाँ पर आपको स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं जे वी एल की तरफ से सीट में आपको मेमोरी फंक्शन देखने के लिए मिलता है वेंटिलेटेड सीट का भी और फीचर आपको देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट का फीचर भी देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया है अब मेमोरी सीट जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दू यहाँ पर आप बैठ के अपनी उसके हिसाब से मतलब जैसा आप बैठ गए मान लीजिए मैं बैठ गया तो अपनी सीट, सीटिंग के हिसाब से मैं यहाँ पर पूरी एडजस्ट कर सकता हूँ सीट को और वन दबा के मैं उसे रिमेंबर करा सकता हूँ जो टू या थ्री जो भी उसमें दिया है उसे दबा के मैं रिमेंबर करा सकता हूँ कि ये मेरा सीटिंग एडजस्टमेंट है और जैसे ही मैं गाड़ी ओपन करूँगा तो सीट अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी उसी तरीके से अगर जो मतलब लास्ट में बैठा होगा लास्ट में मान लीजिए कि मैं बैठा था तो मैंने वन पर सेट कर रखा था तो मैं जब इसका गेट ओपन करूँगा तो वन के हिसाब से ही मुझे सीट अपने आप एडजस्ट होकर मिलेगी बाकी इंटीरियर चेकआउट करो यार गाड़ी का अभी मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ तो ये देखो भाई अब देखो इंटीरियर चेकआउट करो और मुझे बताओ ये कहीं से लग रही है आपको 25-30 लाख की गाड़ी यार फील ही ऐसी है टाटा ने मतलब ऐसी फील कर दिया यार जब से लैंड रोवर को एक्वायर कराया कि मतलब नेक्स्ट लेवल फील है बैठ के ही आपको लगेगा हाँ यार पचास लाख रुपए की गाड़ी है भाई मस्त फॉर्चूनर भी फेल है इसके इंटीरियर के सामने अगर हम बात करें तो मतलब इंटीरियर की बात कर रहा हूँ भाई गलत मत ले लेना साथ ही साथ यहाँ पर आपको मूड लाइटिंग देखने के लिए मिलती है जिसे एम लाइटिंग बोलते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया वहाँ तक चली जाती है यहाँ पर आपको लेदर फिनिश में कुछ वर्क देखने के लिए मिलता है येलो एलिमेंट्स सब जगह आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी और यहाँ पर आ जाए तो यहाँ इसका आपको ग्लब बॉक्स देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी बड़ा है और कूल ग्लब बॉक्स का आपको इसके अंदर फीचर देखने के लिए मिलता है इन्फोटेनमेंट सिस्टम की अगर हम बात कर लें तो ट्वेल्व पॉइंट टू नाइन इंचज़ की फुली टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम की यूनिट देखने के लिए मिलती है जो कि काफ़ी बढ़िया तो और काफ़ी स्मूद है ये सारे आपको कंट्रोल देखने के लिए मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट यूनिट के डोल जोल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया फीचर है और यह सिर्फ एक टच पर काम करता है देखो भाई ये टच है और ये चल गया भाई इसके हज़ार्ड लाइट्स तो काफ़ी प्रीमियम है यार मतलब पूरा टच ही है काफ़ी बढ़िया है और इसे बंद कर देते हैं यहाँ थ्री डिग्री कैमरे का बटन दबा दे हैं थ्री डिग्री कैमरा ऑन हो गया बीच में नॉर्मल डी कट शेप में आपको इसका स्टेयरिंग व्हील देखने के लिए मिलता है पैडल शिफ्टर्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं जो कि इस प्राइस पॉइंट पर काफ़ी बढ़िया है साथ ही साथ यहाँ सारे कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं इसकी एम के इधर की साइड और देखने के लिए मिलता है आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है अडेप्टि क्रूज कंट्रोल आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है वॉइस कमांड का सिस्टम देखने को मिलता है सारे कंट्रोल्स यहाँ देखने को मिलते हैं ऑटो डिम आई आर देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ पर आपको ऊपर की साइड पेनानोमिक सनरूफ देखने के लिए मिलती है जो कि वन टच पर काम करती है ये खोल दी भाई मैंने और ये देखो भाई और ये जो पैनारोमिक सनरूफ है ना यार जो टाटा ऑफर करती है

सिटी ड्राइव तो सिटी मोड पे वापसी आ गई तो so, काफ़ी बढ़िया कंट्रोल्स हैं और इसमें आपको सारे अडास के कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं जैसे कि आपका फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग हो गया फिर आपका रियर कॉलीजन वार्निंग हो गया डोर ओपन अलर्ट हो गया जैसे आप डोर खोलेंगे तो आपको अलर्ट दिखाएगा पीछे से तो कोई गाड़ी तो नहीं आ रही फिर ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन हो गया जिसका अलर्ट वहाँ भी दिखाता है यहाँ भी ट्रैफिक साइन को भी डिटेक्ट कर लेता है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इसकी एम में हाई बी मसिज का फीचर भी देखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पर दिया गया है ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑटोमेटिक हेडलैम्प के साथ और इधर आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर का फीचर भी देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है रियर में आपको काफ़ी अच्छा स्पेस देखने के लिए मिलता है तो अभी हम रियर में चलेंगे ये सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की हुई है साथ ही साथ आपको इसमें रियर ट्रैफिक क्रॉस अलर्ट भी देखने के लिए मिलता है लेन चेंज डिपार्टर वार्निंग भी देखने के लिए मिलती है जो कि काफ़ी बढ़िया है तो ये देखो भाई तो यार स्पेस देखो कितना बढ़िया स्पेस आपको गाड़ी के अंदर देखने मिलता है या नी रूम देखो कितना बढ़िया नी रूम है मतलब बहुत ही ज्यादा स्पेस और ये अभी आप सीधे भी करोगे तो उसके बाद और ज्यादा स्पेस हो जाएगा साथ ही साथ हेड रूम चेकआउट कर लो काफी बढ़िया हेडरूम रूम आपको गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलता है इधर की साइड आपको ए एसी वेंट्स देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर आपको ब्लाइंड्स भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि काफी बढ़िया है जिसे हम शनशेड कह सकते हैं तो इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया ये फीचर है यहाँ पर आपको कुछ येलो एलिमेंट देखने के लिए मिलता है ब्लैक पियानो फिनिश के साथ जो कि और भी बढ़िया लुक देता है इसके इंटीरियर को ये भी एल के स्पीकर सिस्टम देखने के लिए मिलता है और रियर में स्पेस देखो यार कितनी है मतलब यार तीन जने आराम से बैठ सकते हैं बहुत चौड़ी सीट्स है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है लॉन्ग रूट्स पर आपको इस गाड़ी में काफ़ी मजा आने वाला है और यार इतना स्पेस है इस गाड़ी में कि मतलब आप बैठ के जाओ कोई थकान नहीं कुछ नहीं सब बढ़िया है ऊपर की साइड आपको रीडिंग लाइट देखने के लिए मिलती है एल के अंदर ये इसकी पैनारोमिक रूफ हो गई उधर की भी आपको सनशेड देखने के लिए मिलता है तो काफी बढ़िया है और काफी बढ़िया ओवरऑल इंटीरियर है गाड़ी का और आप जब इसमें बैठेंगे दिन ना यार तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार वाकई मैं पचास साठ लाख की गाड़ी में बैठा हूँ तो वो एक फील है और जो टाटा इस टाइम अपनी गाड़ियों में दे रही है जब से टाटा ने लैंड रोवर को एक्वायर करा है तो उसके बाद से वो फील एक यार अलग देखने के लिए मिलती है टाटा के अंदर और अब आपको पैसे खर्च करते हुए ये नहीं लगेगा कि हाँ टाटा पे कि यार मैंने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया मतलब एक ये स्टेटस सिंबल है गाड़ी और काफ़ी बढ़िया है अब हम चलेंगे इस गाड़ी के वर्डिक्ट तो so, वर्डिक पे जाने से पहले हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की तो इस गाड़ी के अंदर आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता है साथ ही साथ बात करें इस गाड़ी के एवरेज की तो इस सिटी के अंदर आपको इजली 12 टू 13 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही और हाईवे पे आप इजली सिक्सटीन टू सेवन किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही बाकी आपकी चलाने रही कंडीशन पर डिपेंड करता है आप जल्दी से हम इसके माफी लुक को ऑन कर लेते हैं और बात कर लेते हैं इस गाड़ी के वर्डिक की तो मेरा इस गाड़ी लेके ये वर्डिक वर्डिकार सबसे पहले तो इसका लुक काफी बेहतरीन है इस प्राइस सेगमेंट में बहुत ही तगड़ा लुक आपको देखने के लिए मिलता है तो उसके अलावा हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे तो इसके अंदर आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सेवन ईयर बैच देखने के लिए मिलते हैं तो सेफ्टी काफ़ी तगड़ी है बिल्ड काफ़ी तगड़ी है इस गाड़ी की साथ साथ काफ़ी स्पोर्टियर और मस्कुलर लुक आपको गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलता है फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इसके तीसरे पॉइंट में तो इसमें आपको अडास के फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं तो ग्यारह से बारह कुछ फीचर लिस्ट आपको देखने के लिए मिलती है पूरी आपको स्क्रीन पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी तो उससे आप इजली फट पा रहे होंगे कि क्या क्या फ़ीचर्स आपको अडास के इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलते हैं फिर हम आ जाते हैं इसे फोर्थ पॉइंट पे जियो की रहने वाला है सा कंफर्ट और लग्जरी तो कंफर्ट और लग्जरी इस गाड़ी में यार भर भर के दी गई है जैसा कि लुक काफ़ी बढ़िया इंटीरियर में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ काफ़ी बढ़िया इंटीरियर आपको देखने को मिलता है और आप इसके अंदर बैठेंगे तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि यार मैं किसी पच्चीस से तीस लाख की गाड़ी ये बीच में बैठा हो काफ़ी तगड़ी गाड़ी ये लगती है फॉर्चूनर की टक्कर की है जिसे आप फॉर्चूनर ले लिया मेरे हिसाब से तो वो इसकी तरफ जाए आप इस प्राइस सेगमेंट में इतने भर भर के फीचर दिए गए हैं जो कि फार्चूनर में आपको दूर दूर तक कभी नहीं मिलने वाले बस इसमें जो एक नेगेटिव मुझे इस गाड़ी में लगता है वो है यार कि अभी तक टाटा पेट्रोल में इसे ऑफर नहीं कर पाई है लेकिन टाटा ईवी सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है इसमें आपको हेरियर है, ईवी भी देखने के लिए मिल जाती है तो टाटा ईवी वी सेक्टर पर थोड़ा ज़्यादा काम कर रही है बजाय हाइब्रिड वगैरह या किसी और पेट्रोल सेगमेंट में जाने की बजाय टाटा ईवी की तरफ मूव कर रही है तो वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी टाटा हेरियर ई वी भी ले सकते हैं बाकी आप डीजल में अगर इंटरेस्टेड है तो इस गाड़ी को ले लीजिए और मैं तो कहूँगा यार फॉर्चूनर से बेटर है ये जो लोग फॉर्चूनर खरीदते हैं पैंतीस से चालीस लाख की कोई फ्यूचर नहीं मिलता थर्ड रो आप ऐसी उसमें नहीं बैठ सकते बच्चे भी बैठ सकते तो वो कोई इतनी वैल्यू फॉर मनी मुझे नहीं लगती यार उस प्राइस टैग प्राइसमेंट चालीस से पचास लाख रुपए उस पर खर्च करे जाए मेरे हिसाब से तीस लाख में आप ये गाड़ी लो और भाई अपना मजे करो लुक भी है टोरा भी है फील भी है और ये है इसका अलग सा एक सिग्नेचर भी बन चुका है तो ये था इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू आई होप आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा ऐसे और रिव्यूज देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में तो आई होप ये रिव्यू आपको बहुत पसंद आया होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन स्टेट्यूम